हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न फॉर आरपीएससी ग्रेड टू के लिए। तो आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका आरपीएससी ग्रेड टू एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। मीन्स यहाँ पे आपको पेपर वन में कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, पेपर टू में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है, कितने घंटों का ये पेपर है। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने आए। तो चलिए अब हम यहाँ पे चीजों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो आपका पेपर है, ठीक है, आरपीएससी ग्रेड टू का, तो यहाँ पे लिखते हैं हम जो आपका आरपीएससी ग्रेड टू, ठीक है, जो आपका यहाँ पे आरपीएससी जो ग्रेड टू का पेपर है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका आरपीएससी ग्रेड टू का जो पेपर है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपको सबको पता है कि इसमें आपके दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर वन, ठीक है, यहाँ पर एक है आपका पेपर वन, और फ्रेंड दूसरा है आपका यहाँ पर पेपर टू। ठीक है, पेपर वन में क्या होगा, तो पेपर वन में यहाँ पर आपका जनरल स्टडीज, जिसको हम जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस या हम इनको बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से आपसे पूछे जाएंगे। अब बात आती है पेपर टू में, तो पेपर टू में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो पेपर टू आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आप साइंस के हो तो आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर आप मैथ के हो स्टूडेंट तो आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वही अगर आप आर्ट्स के हो तो आर्ट्स से रिलेटेड, अगर कॉमर्स से हो तो कॉमर्स रिलेटेड। मतलब यहाँ पे ये जो आपका पेपर है ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है जी, सब्जेक्ट वाइज ये आपका पेपर है। अब हम बात करते हैं पेपर वन में, तो पेपर वन में क्या होने वाला है, तो पेपर वन में आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम आपको क्या मिलेगा। तो ये हमारे पास है पेपर वन। पेपर वन मैंने आपको बताया कि आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, जो भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो, ये इसका पेपर है। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मिलते हैं, यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, 200 मार्क्स के, तो यहाँ पर आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो है आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता है, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितने मार्क के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी जो मार्किंग होगी वो आपकी हो जाएगी 2 × 100, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको 200 मार्क्स का ये आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है ये 200 मार्क्स का है, और यहाँ पे जो आपको ड्यूरेशन दी जाएगी, सही है, इस पेपर को क्लियर करने के लिए जो आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा वो होगा आपका 2 घंटे का। ठीक है, 2 आवर्स का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो ये हो गया है आपका पेपर वन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 100, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, तो 200 मार्क्स का पेपर हो गया, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं पेपर टू की। ठीक है, कि पेपर टू क्या है आपका। तो पेपर मैंने आपको बताया कि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, चाहे अगर, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, साइंस की। सपोज करो आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या मिलेगा, और अगर आप मैथ्स के हो तो आपको क्या मिलेगा, मतलब सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि साइंस के लिए ही है, हम एक एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि सपोज करो साइंस बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको एक तो मिलेगा यहाँ पे स्कूल लेवल, ठीक है, स्कूल लेवल का पेपर आएगा आपका। स्कूल लेवल से मेरा मतलब है 10+2, है ना, 10+2 का ये लेवल होता है। और यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके क्वेश्चंस कितने होंगे, तो और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, और यहाँ पर आपके हो गए मार्क। ठीक है, कि कितने मार्क का है।
तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 90। तो आप देख सकते हो कि 10+2 में आपके 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 10+2 की जो बुक्स होती हैं आपकी 9, 10, 11, 12, तो उससे आपके यहाँ पे 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसकी जो मार्किंग हो गई वो 180 नंबर का यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, ग्रेजुएशन। अब आपका ग्रेजुएशन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, सपोज करो आपने बीएससी करी है या आपने एमएससी या आपने बीएससी करी है, बीकॉम करा है, बीए करा है, जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, ठीक है, वहां से पेपर हम मान के चलते हैं कि आपने साइंस से ग्रेजुएट करा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और 40 क्वेश्चन आपके आएंगे ग्रेजुएशन लेवल से, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब यहाँ पर भी आपके कितने नंबर हो गए, 80 मार्क्स का ये पेपर हो गया। उसके बाद है आपका टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड, यहाँ पर आप टीचिंग मेथड से क्वेश्चन, मतलब आपका सबका बीएड तो कंप्लीट हो गई तभी आपने ये फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर आपसे बीएड के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके टीचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर ये आपका होगा कितने मार्क्स का, यहाँ पर आपको केवल 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और ये जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके होंगे 40 मार्क्स के। अब आप इनका सम कर लीजिए, तो जब आप इनका यहाँ पे सम करोगे तो देखो ये हमारे पास होगा 80 और 40, 120 और 120 और 180, 300। तो यहाँ पे जो आपका पेपर हो गया ये आपका 300 मार्क्स का पेपर हो गया, और यहाँ पर आप इनको जोड़ के देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कितने हैं, 150। तो इसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपका 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से दिया गया है। अब बात करते हैं कि सर ड्यूरेशन कितनी होगी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर जो आपको ड्यूरेशन दी जाएगी यानी कि जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको यहाँ पर 2.5 घंटा, यानी कि 2.5 आवर्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो पेपर 2 मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। और अब एक मेन चीज, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी आपकी जो पेपर फर्स्ट है यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, वो कितनी आपकी 1/3 की, यानी कि अगर आप एक रॉन्ग क्वेश्चन करके आओगे तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग कटेगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी, इसमें भी, पेपर 2 में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ठीक है। तो दोनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 1/3 की, तो पूरे पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपका हमारा यहाँ का आज का टॉपिक, हमने आपको बताया कि एग्जाम पैटर्न क्या है RPSC ग्रेड 2 का, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।